लोकसभा के मुख्य बिहीव एवं हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयानों पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल के भाषणों पर दुनिया हंसती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट को मजाक बनाया है और देश उनके ऊपर विश्वास नहीं करता है। अनुराग ने कहा कि भारत को गंभीर व्यक्ति के हाथों बागडोर सौंपनी है या लाफ्टर शो करने वाला व्यक्ति। अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में टाइल कंपनी कजारी के शोरूम के उद्घाटन अवसर पर पहुंचे थे। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र ठाकुर, पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, शोरूम प्रबंधक विजय शर्मा के अलावा गणमान्य लोग मौजूद रहे। देखिए, राहुल जी क्या कहते हैं उस पर जग हंसता है, एक मजाक के पात्र बन गए। पार्लियामेंट का भाषण समाप्त करके गले पड़ने का काम करना और फिर आंख मारना और मजाक उड़ाना, पार्लियामेंट को, लोकतंत्र को और देश की राजनीति को एक मजाक राहुल गांधी जी ने बनाया है। आज देश उनके ऊपर विश्वास नहीं करता है। प्रश्न सबके सामने खड़ा होता है, क्या राजनीति को, हिंदुस्तान की राजनीति को, भारत के लोकतंत्र को गंभीर व्यक्ति चाहिए या मजाक या लाफ्टर शो करने वाले चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसमें उस तरह के व्यक्तियों का कोई स्थान नहीं जो केवल मजाक उड़ाने के लिए और ऐसी बातें कहना जिनका तथ्यों से बहुत दूर हैं, उनका कोई स्थान नहीं है। और अगर यही हालत रहा तो कांग्रेस जो पहले 44 थी, इस बार 44 पर भी नहीं आ पाएगी। सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में रेल को लेकर कांग्रेस के आ रहे बयानों पर कहा कि जो कांग्रेस 70 सालों तक रेलवे का सर्वे तक नहीं करवा पाई, वह आज बयानबाजी कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसी साल रेलवे लाइन का शिलान्यास और काम भी शुरू होगा और कांग्रेस की तरह झूठी अफवाहें नहीं फैलाई हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र का लाभ ज्यादा से ज्यादा प्रदेश की जनता को पहुंचे, इसके लिए प्रयासरत हैं। वर्ष इसका शिलान्यास भी करेंगे और काम भी शुरू करेंगे और जो अब तक कहा है वो करके दिखाया, ये भी करके दिखाएंगे कि ये तो केवल सर्वेक्षण तक रह जाएगा। जो लोग 70 वर्षों में सर्वेक्षण भी नहीं करवा पाए, केवल प्रेस नोट के सहारे जीते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, हमने प्रेस नोट ही नहीं दिए, हमने सर्वेक्षण भी करवाए, बेसिक भी कराया, फाइनल लोकेशन सर्वे भी करवाया और अब शिलान्यास भी करवाएंगे, काम भी शुरू करवाएंगे। देखिए, कोई भी कर सकता है, जिनका उद्देश्य वैसा होगा वो वैसा करेंगे और कई तो किसी आड़ में भी ऐसा काम करते हैं, इसलिए उनको जो करना है वो करें। हमें इस बात की चिंता करने की आवश्यकता है कि केंद्र में भाजपा और प्रदेश में भाजपा, इन दोनों का लाभ हम ज्यादा से ज्यादा हिमाचल प्रदेश को पहुंचाएं ताकि हिमाचल की जनता को लाभ मिल पाए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो रही देरी पर अब सांसद अनुराग ठाकुर ने भी सांसद शांता कुमार की बात का समर्थन किया। इस मुद्दे पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जल्द शिलान्यास किया जाएगा और सांसद शांता कुमार के अनुसार तपोवन के भवन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देहरा में भूमि भी चयनित कर ली गई है और कुछ कमियां हैं जिन्हें जल्द पूरा किया जाएगा ताकि यूनिवर्सिटी का काम शुरू हो सके। देखिए, इसमें जहाँ तक देहरा की बात है, देहरा की लैंड भी फाइनलाइज है, वहाँ के एनओसीज का प्रक्रिया जो बहुत तेजी के साथ हमने पिछले 8 महीनों में की, अब मात्र एक उसमें पेंडिंग रहता है, वो भी पूरा हो जाएगा और उसका जल्द शिलान्यास कर दिया जाएगा। जहाँ तक कांगड़ा की बात है, वहाँ पर भी आदरणीय शांता जी ने कहा है कि जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास विधानसभा का है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर उसके ऊपर भी विचार बनता है तो उसका उद्घाटन हो सकता है, यहाँ पर शिलान्यास हो सकता है और प्रदेश को हजारों करोड़ रुपए की सेंट्रल यूनिवर्सिटी जल्दी मिल सकती है।